नमस्कार प्रणाम मेरे भाई लोग। आज मैं बात करूंगा कि अगर भोजपुरी में खेसारी लाल यादव जी गाना गाना बंद कर देते तो क्या होगा। क्या आप लोग भोजपुरी गाना पसंद करेंगे या भोजपुरी फिल्म देखना पसंद करेंगे, इतना बताइए मेरे भाई लोग। आज फिलहाल में भी बहुत से लोग हैं जो भोजपुरी फिल्म नहीं देखते हैं, गाना नहीं सुनते हैं, साउथ की फिल्में पसंद करते हैं, हिंदी गाना सुनते हैं, इस प्रकार से। लेकिन अगर खेसारी लाल यादव जी भोजपुरी में गाना गाना बंद कर दे तो क्या आप लोग सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि मैं भोजपुरी में खेसारी लाल यादव जी का ही मूवी देखता हूँ, क्योंकि उनके फिल्म में एंटरटेनमेंट ज़्यादा मिलता है, हंसी आता है, मजाक प्यार तीनों सब मिलता है। लेकिन और किसी कलाकार का मुझे भोजपुरी फिल्म पसंद नहीं आता है, ना देखा हूँ, मैं अपना रियलिटी बता रहा हूँ। और दूसरी बात मेरे भाई लोग, दूसरी सबसे मेन क्या होगा कि अगर भोजपुरी में खेसारी लाल यादव जी गाना गाना बंद कर दे तो क्या होगा। बहुत से यूट्यूबर हैं जो खेसारी लाल यादव जी की वजह से चलते हैं, अपना चैनल चलाते हैं। क्यों चलाते हैं, कारण भी बता रहा हूँ मेरे भाई लोग। खेसारी लाल यादव जी महीने में लमसम 15-20 गाना लाते हैं। 15-20 गाना अगर ला देते हैं तो उसे लोगों को कंटेंट मिल जाता है, कंटेंट वीडियो बनाने का, कि हाँ खेसारी लाल यादव जी का ऐसा गाना आ रहा है, ऐसा गाना आ रहा है, इस प्रकार से। अरे खेसारी लाल यादव जी का गाना ट्रेंडिंग में चला गया, उसके बाद उस पर भी वीडियो बन जाएगा, इसे व्यू मिलता है। खेसारी लाल यादव जी का नाम सर्च में रहता है और व्यू मिलता है, लोगों को फायदा रहता है। लेकिन वही अगर खेसारी लाल यादव जी गाना गाना बंद कर दें तो जो यूट्यूबर एक दिन में 4 वीडियो अपलोड करते थे उनका एक ही होगा। पवन भैया जी तो गाना गाते ही नहीं है भोजपुरी में, महीने में कभी 1-2 आ गया तो आ गया। बाकी उनके जो यूट्यूबर हैं वो तो खेसारी लाल यादव जी को आरोप लगा लगा के अपना वीडियो बनाते हैं कि खेसारी लाल यादव जी ने ऐसा गाना गाया, खेसारी ने ऐसा किया वैसा किया। जैसे में इंटरनेशनल मौगैया दलाल, आप लोग जानते होंगे मौगैया जवान को, जो कि मेरे भाई लोग सबसे पहले इन्होंने मनीष कश्यप को टारगेट किया। मनीष कश्यप जो आप लोग जानते होंगे रिपोर्टर है, जो कि उनको टारगेट किया, लेकिन मनीष कश्यप शार्क माइंड के निकले, तेज माइंड के निकले, इनको लात मार के निकल गए। फिर इन्होंने सोचा चले भाई अब क्या किया जाए, अब तो हम लोग वायरल हो नहीं। सबसे पहले तो इन्होंने गाना गाया था, नहीं चला, उसके बाद से मनीष कश्यप को टारगेट किया, वो नहीं चला, उसके बाद से पाए खेसारी लाल यादव जी को सबसे सस्ता में। चलो भाई अब ये काम करते हैं, अश्लीलता का मुहिम चलाते हैं, इसी में हम लोग का काम डगर जाएगा। तो इन्होंने अश्लीलता का नाम लेके खेसारी लाल यादव जी को टारगेट किया। आज मतलब कुछ भी है नाम बना इनका, खेसारी लाल यादव जी को बाप बना के इनका नाम बना है, अब समझ जाइए। इनका सब वीडियो जाके देखिए, अगर 400 वीडियो अपलोड होगा लमसम 200 से ऊपर केवल खेसारी लाल यादव जी के नाम से। दूसरे में आते हैं हमारे गांडू सिंह भाई मुकुट, जो आप लोग जानते होंगे, अगर इसका शुरू का चैनल देखेंगे ना, 1-2 वीडियो छोड़ के लमसम इनका भी 500 वीडियो में लमसम 450 वीडियो तो हमें लग रहा है खाली खेसारी लाल यादव जी का निकल जाएगा। 500 वीडियो में एक बार जाइएगा गिनिए, मैं गिना था एक बार, खेसारी लाल यादव जी के नाम से ये भी चला है गांडू सिंह मुकुट, इसका भी काम तमाम हो जाएगा। और महेश बाबा हैं जो एक दिन में 4-5 वीडियो अपलोड करते हैं, उनको भी उतना कंटेंट नहीं मिलेगा। एक बाबा न्यूज भोजपुरी वाले हैं, उनको भी उतना कंटेंट नहीं मिलेगा और भोजपुरी में वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आएगा, समझ जाइए। हम लोग तो हैं, हम लोग भी बनाते हैं, 1-2 वीडियो अपलोड करते हैं, एक वीडियो अपलोड करते हैं, बाकी अपना देखते हैं, अपना कुछ और वीडियो बनाते हैं। लेकिन जो बराबर खेसारी लाल यादव जी पे निर्भर रहते हैं उनका क्या होगा, उन्हीं के लिए है वीडियो मेरा, ठीक है मेरे भाई। उनका ये हो जाएगा कि रीच डाउन हो जाएगा यूट्यूब का, क्योंकि कंटेंट कोई इतना कलाकार ज़्यादा गाना नहीं गा पाता है। खेसारी लाल यादव जी का महीने में 5-6 नहीं 15-20 गाना आता है, जिससे यूट्यूबरों को अच्छा कंटेंट मिल जाता है कि खेसारी लाल यादव जी का ये गाना आया, ट्रेंडिंग में आ गया, खेसारी लाल यादव छा गए, इस प्रकार से वीडियो बनाते रहते हैं। आप पवन सिंह के जो यूट्यूबर हैं उनको टारगेट करना, उनको टारगेट बस खेसारी लाल का ऐसा नहीं ऐसा गाना है, खेसारी लाल ऐसे नहीं ऐसे, इस प्रकार से उनको भी मौका मिल जाता है, तो वीडियो सबका बन जाता है, ठीक है। अगर खेसारी लाल यादव जी गाना गाना बंद कर दे तो बहुत लोगों का जो कि यूट्यूब चैनल चलाना भी मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, समझ जाइए, चलेगा लेकिन मुश्किल हो जाएगा। बस मेरे भाई लोग इस वीडियो को दबा के शेयर मार दीजिएगा। नमस्कार प्रणाम आप सभी को।